पोर्शे की बेहद लोकप्रिय एसयूवी मकान वापस आ चुकी है। कार में काफी कुछ बदल गया है, बाहर के फीचर्स हो, अंदर के फीचर्स हो, इंजन ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तीन वर्जन हैं कार के, ये बेस मकान आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अलावा एस है और GTS भी है, उसमें आपको सबसे ज्यादा पावर और फीचर्स मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर्स की, काफी कुछ बदल गया है, फेस में काफी कुछ बदल गया है, नई हेडलैम्प्स हैं, ये बढ़िया दिखने वाली DRLs यहाँ दी गई हैं, बहुत ही शानदार दिखती हैं, कार के लुक को और निखार देती हैं। इसके अलावा नई ग्रिल भी दी गई है कार में, तो जो चेहरा बोल सकते हैं, चेहरे पर दो मेन चीज़ें जो हैं कार में वो बदल गई हैं। इसके बाद हम आते हैं कार के साइड में, सबसे पहले 19 इंच के व्हील्स हैं, स्टैंडर्ड है, आपको सारे वेरियंट्स पर मिल जाएंगे। मिरर्स का शेप यहाँ बदल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोडायनामिक्स में आपको हेल्प करेगा, तो बेटर ड्राइवेबिलिटी आपको मिलेगी कार के साथ। और उसके बाद पीछे आते हैं तो आपको ये बढ़िया 3D इफेक्ट के साथ भी यहाँ पे ये पैटर्न मिल जाएगा, ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये बाहर के जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, इन्होंने कार के लुक को और बेहतर बना दिया है। तो दो इंजन हैं यहाँ पोर्शे मकान में, जो ये बेस मकान है, इसमें आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। जो बड़े दो वर्जन्स हैं एस और GTS, उसमें आपको 2.9 लीटर का बायोटर्बो इंजन मिलेगा, लेकिन दोनों के डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्यून्स हैं तो अलग अलग पावर बनती है। ये सारे इंजन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और GTS में तो आपको पहले से बेहतर टॉर्क भी मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस गाड़ी की बेटर हो गई है। ऑफकोर्स GTS में और ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी हैं, सस्पेंशन का सेटअप बेटर है, तो बेटर डायनेमिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी दो वर्जन्स भी जो एस है या बेस मकान है उसमें भी आपको डायनेमिक्स के मामले में कोई डिसअपॉइंटमेंट निराशा नहीं होगी। ये कार्स भी काफ़ी कुछ ऑफर करती हैं। अगर आप मकान को पहले से जानते हैं तो यहाँ आके आप समझ जाएंगे कि ये कैबिन कई तरह से बदल गया है, काफ़ी चीज़ें अलग हैं पहले से। जो एलिवेटेड कंसोल आप पोर्शे की गाड़ियों में देखते हैं वो पूरा बदल गया है, बटन्स कम हो गए हैं, ज़्यादा डिजिटल या ज़्यादा टच फीचर्स आ गए हैं, वो आपको ज़्यादा प्रीमियम एहसास देगा। ये स्क्रीन भी बिल्कुल नई है और बहुत बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट की गई है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आपके काम की चीज़ है। स्टेयरिंग व्हील भी गाड़ी में नया है, मुझे ये जो पैडल शिफ्ट पे क्रोम है काफ़ी बढ़िया लगा, ये भी अच्छी चीज़ है। और जो पोर्शे की क्लॉक है, जो बहुत फेमस क्लॉक होती है डैशबोर्ड पे, ये भी इस कार में बदल गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको एक बहुत नया बढ़िया एहसास मिलेगा इस नई मकान में। और अंत में कार की कीमतों की बात कर लेते हैं, यह है बेस वर्जन, इसी को आप में से ज़्यादातर लोग खरीदने वाले हैं। इसकी कीमत है 83,21,000 रुपये एक शोरूम। ऑफकोर्स अगर आप एस या GTS खरीदते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन शुरुआत होती है 83,21,000 रुपये से।